तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ही सुर्खियों में रहता है, आपकी रार उनके साथ हमेशा चर्चा में रहती है, और आपसे भी तो 15 आपके रीजन के 15 अधिकारी आपसे भी मांगे गए हैं रथ प्रभारी बनाने के लिए। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी की पिछले 9 साल से सरकार है, और 9 साल में जो ये वादे करके आए थे, चाहे वो किसानों के मुद्दे पर हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, और बड़े बड़े वादे जो करके आए थे, अगर इस पे कहीं से भी खरे उतरे होते तो आज अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी पूरे दुनिया में बताते हैं, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। वो डंका कहाँ चला गया? वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ चले गए? अरे आपको अभी राजीव भाई ने 3 शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने बोला नैतिकता और शुचिता और शर्म। मुझे लगता है कि अगर ये 3 शब्द भारतीय जनता पार्टी के पास होते तो आज इस देश की सेना को चुनाव प्रचार में उतारने की जरूरत न पड़ती। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि उन फौजियों को जो आज तक किसी पार्टी ने, किसी दल ने आज तक उनके साथ राजनीति नहीं की, और आज भारतीय जनता पार्टी इतने बैकफुट पे खड़ी है कि वो इस देश के सैनिक तक के छुट्टी पर भेजती है तो कहती है जाओ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करो। जहां तक बात अधिकारियों की है तो देखिए, हमने पिछले दिनों गुजरात चुनाव के अंदर एक चीज देखी थी। मोदी जी को गुजरात में जाना था, किसी स्कूल का उद्घाटन करना था, तो एक टेंट का स्कूल बनाया, वहां बैठ के उन्होंने एक फोटो खिंचाई। वो इतने 30-31 साल के राज में जिस गुजरात मॉडल का लोग जिक्र करते हैं, वहां एक स्कूल बनाने की स्थिति में नहीं है। ये उसका कारण यही है कि जब आप स्कूल के शिक्षकों से पूरे साल काम कराओगे दूसरे, तो कहां से मिलेंगे आपको स्कूल? आज पूरे देश को का बेड़ा गर्क करने का जो जिम्मेदारी मोदी सरकार ने उठाई है, मुझे लगता है इसके नतीजे निहायत ही गंभीर होंगे। नहीं, और कल तो जेपी नड्डा ने उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा ये तो शासन का मूल सिद्धांत है, आप कैसे सवाल उठा रहे हैं? नहीं, ये शासन का मूल सिद्धांत नहीं है। शासन का मूल सिद्धांत नहीं है कि एक कलेक्टर गांव गांव में जाकर अपने सारे कामों को छोड़ करके भाजपा का प्रचार करे। शासन का मूल सिद्धांत ये तो नहीं है कि एक सैनिक जब अपने घर जाए छुट्टी पर तो अपने परिवार को छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करे, और वो बेचारा करेगा क्या? नहीं करेगा तो आप उसको नौकरी से निकाल दोगे, नौकरी से नहीं निकाल पाओगे, किसी फर्जी केस में फंसा देंगे, नहीं फंसा पाएंगे कहीं सस्पेंड करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा निराशा है, और अगर इन्होंने कुछ काम किया होता 9 साल के दौरान, तो जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी चुनाव में मंच पर खुले मंच से खड़े होकर बोलते हैं कि अगर हमने काम किया है तो हमको वोट देना वरना वोट मत देना, आज इनकी स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर जाते हैं तो वहां के 18 साल के अपने नाकारा मुख्यमंत्री का नाम लेने से बचते हैं। उसको आज 18 साल तक उन्होंने शासन किया, उनका नाम अनाउंस करने में इनको शर्म आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है। ये जो सौरभ भाई अभी बता रहे थे इनके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ चुके हैं, तो आप इनकी चिंता मत करिए, राखी जी को भी 15 लाख रुपए मिल चुके होंगे। ये जो जुमलों की सरकार चलाई है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल से, 2 करोड़ नौकरी पर ईयर देने का वादा किया था, सबको पक्के मकान दे रहे थे, पूछे मिल गए क्या? 18 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? तो आपने काम तो कुछ किया नहीं 9 साल तक, जनता के साथ खेलते रहे, मूर्ख बनाते रहे और खुद मूर्ख बनते रहे। अब जब चुनाव सर पर है तो आपने इस देश की ब्यूरोक्रेसी को, इस देश की सेना को, इस देश के शिक्षकों को, और जैसा अभी राजीव भाई बता रहे थे कि इस देश के उन लोगों को जो अंतिम पायदान तक सरकार के काम को लेकर जाते हैं, उनको अपने प्रचार में लगा दिया है, उनको फखरुल हसन शंजी, क्या वाकई इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि चुनाव के मुहाने पर तो सभी खड़े हैं ना,